हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम बहुत ही सिंपल और इजी वे में फार्मा से रिलेटेड रोचक जानकारियों को जानने की कोशिश करते हैं। और आज का जो ये क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है जब हम फार्मा इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इसको कई बार लड़के जब इसका आंसर देने के लिए जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और क्वेश्चन ये होता है कि डिसोल्यूशन और ड्रग रिलीज में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, कई बार लड़के जो होते हैं वो जब डिसोल्यूशन को समझाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ड्रग रिलीज वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे मीडियम के अंदर ड्रग का रिलीज होना। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डिसोल्यूशन वर्ड आपको कहाँ यूज़ करना है और ड्रग रिलीज वर्ड आपको कहां पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्रग रिलीज वर्ड। देखिए, ड्रग रिलीज वर्ड वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हम उन फॉर्मुलेशंस को यूज करते हैं जो कि हम बॉडी के ऊपर मतलब ट्रॉपिकली अप्लाई करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, लिनिमेंट हो गया, क्रीम हो गई, कोल्ड क्रीम हो गई, सपोजिटोरीज हो गई। ये वो फॉर्मुलेशन है जिनको हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब ड्रग डिसॉल्व होती है या हमारे बॉडी के अंदर जब ड्रग रिएक्शन करना मतलब एक्शन करना स्टार्ट करती है तो वहाँ पर ड्रग जो होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो ड्रग रिलीज टर्म जो होती है वो उन फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ होती है जो हमको बॉडी के ऊपर अप्लाई करने होते हैं, ट्रॉपिकली अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, बॉडी के हम किसी भी पार्ट में आप अप्लाई करें। बट अगर बात की जाए डिसोल्यूशन टर्म की, तो डिसोल्यूशन टर्म उन फॉर्मुलेशंस के लिए यूज़ होती है जो कि हम मुंह में खाते हैं, जैसे टेबलेट हो गई, कैप्सूल हो गई। और डिसोल्यूशन टर्म वहाँ यूज़ की जाती है कि जहाँ पर जो हमारी ड्रग है, जैसे हमारा कैप्सूल है, टेबलेट है, वो हम जब उसको मुँह से लेते हैं तो वो सीधा जाके हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पर वो मीडियम के साथ रिएक्ट करके डिसॉल्व होता है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन वर्ड हमको वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पर हमारी जो ड्रग होती है वो किसी मीडियम के कॉन्टैक्ट में आती है और फिर वहाँ पर वो डिसॉल्व हो जाती है। तो आप समझ गए कि आपको ड्रग रिलीज वर्ड कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर हम ड्रग को ट्रॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं मतलब बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और डिसोल्यूशन वर्ड आपको वहाँ यूज़ करना है जिन फॉर्मुलेशंस को हम अपने मुंह से लेते हैं, मुंह से खाते हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशन के लिए आपको डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ड्रग रिलीज टर्म और डिसोल्यूशन टर्म बहुत ईजी और सिंपल वे में समझ में आ गई होगी, और बहुत ईजी वे में मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। इसी टाइप की रोचक जानकारी जानने के लिए जो फार्मा से जुड़ी हुई है, और आपको इंटरव्यू में ये जानकारियाँ काफ़ी काम भी आएंगी और आपके नॉलेज को भी काफ़ी आगे बढ़ाएंगी। तो यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। मेरे नए चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।